अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, बाद में जहाँ भी रहें। तो आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। गर्मी बहुत हो गई है, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। तो मैं आज ये मिर्चों वाले पकौड़े बना रही हूँ, ये लेकिन इसके बनाने का तरीका जो है वो मेरा ख्याल अलग सा होगा। इसमें 2 टेबल स्पून जो है अनारदाने और ये 1/2 टीस्पून से भी कम थोड़ा ये हिमालयन नमक है, और ये 2 स्पून धनिया और पुदीना ये डाल रही हूँ। तो इनको तीनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह जो लंगरी में भूज लूँगी, क्योंकि ये अनारदाना जो है ना वैसे नहीं पीस सकता। तो इनकी मैं ऐसे चटनी टाइप बना लूँगी, फिर मैं इन मिर्चों के अंदर मैं लगाऊंगी, फिर मैं आपसे ये चटनी बना के रख ली है और मिर्चें जो है ना इस तरह काट ली है, ये देखो इस तरह से। तो मैं इस तरह करके इसको इसमें लगाऊंगी, चटनी को इसके अंदर ऐसे चम्मच के साथ लगा ले, लेकिन चम्मच के साथ लगाना ज़रा मुश्किल है, मिर्चें छोटी हैं, बड़ी वाली होती ना तो उनके साथ लग जाती। ऐसे करके एक अंदाजे से जितना जितना डालना है उतना डाल लूँगी, फिर इनको ऐसे भर के रख लूँगी। तो बेसन का घोल बना के बैटर इसका बना के तो फिर उसमें डुबो के इनको तल लूँगी, तो ये बहुत मज़ेदार इंशाल्लाह बनेंगे। तो फिर मैं ये सारी मिर्चें बस मैंने भर के रख ली हैं, तो फिर अभी रोज़े के टाइम पे इंशाल्लाह मैं पकाऊँगी। ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी और आप बार बार बनाएंगे, इतनी मज़ेदार है कि आप याद करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। बस।